अपनी पत्नी पर भूत प्रेत करने की आशंका में सगे भतीजे ने सोच रहे चाचा संभाकांत उपाध्याय को कुल्हाड़ी से वार कर मौत की नींद सुला दी है। मिर्जापुर के चिल थाना इलाके के पखवैया गांव में ही हत्या हुई है, जिसके बाद सजग पुलिस ने भतीजे पंकज उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में पुलिस जुटी है। पेश है ये रिपोर्ट। कुछ माह पूर्व परिवार में विवाद के बाद मामला शांत हो गया था। मंगलवार को अपने छोटे बेटे कृष्णा के साथ सभाकांत अपने घर के बरामदे में तख्ते पर सो रहे थे। बुधवार की प्रातः करीब 5:30 बजे भतीजा पंकज अपनी पत्नी के ऊपर भूत प्रेत करने की आशंका को मन में पाल रखा था। वो अपने चाचा सभाकांत के सिर पर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर भाग गया। आवाज सुनकर जगे बेटे के सामने ही वार कर वो भाग गया। वो मार रहे थे तो खटखट आवाज आई। हम देखे कि जब टंगाइस मारने जा रहे थे, पकड़ लिए तो जैसे बुलाने की कोशिश किया तब से छुड़ा के भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही में जुटी पुलिस ने हत्यारोपी को भी हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर दिया है। थाना अंतर्गत छील में एक गांव पड़ता है पखवैया, जिसमें आज ये सूचना मिली कि सभाकांत उपाध्याय, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी, उनकी हत्या उनके सगे भतीजे पंकज उपाध्याय ने कर दी है। और इसमें थाना छील में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी पंकज उपाध्याय को जो हत्या में प्रयुक्त हुई कुल्हाड़ी है उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे की विवेचना प्रचलित है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनबीसीएन के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट मिर्जापुर से।